हरे कृष्ण। मैं सभी दर्शकों को कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बना रहा हूँ मैं उन साधकों पे या उन लोगों पे, जनरली मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। साधक तो हैं ही, और प्लस जो पॉपुलेशन जो है, मतलब जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, या लोग हैं, आदमी हैं, शादीशुदा लोग हैं, या फिर जो इस धरती पर हैं, मैं उनके लिए एक बात बोलूँगा। क्योंकि ये चीज़ मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मतलब यू नो मैं इधर उधर भटकता था, मतलब गाली देने में या फिर गलत चीज़ निकालने में। आज से कुछ महीनों तक पहले भी मतलब कुछ एक निकल जाता था इधर उधर होके, तो मैं ट्राई करता था इस चीज़ को अपने ऊपर कंट्रोल करने में। मैं खुद पे जो है, मैं वो सही बात बता रहा हूँ आपको, मैं खुद भी मतलब पहले गाली वाली निकलता था, तो जब से भक्ति में आया हूँ कम हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा, बोलता था कभी कभी, बोलता आज से कुछ महीनों तक पहले भी बोलता था, बट अब मैंने छोड़ दिया है। तो मैं ये चाहूँगा आपसे, आप सभी से, कि आपका जो भाषा शैली है वो आप सही बनाएं, आपकी जो टोन है, आपका जो एटीट्यूड है वो आप सही बनाएं। क्योंकि लाइफ में जो है कुछ अगर आपको पाना है, कहीं पहुँचना है, तो जो भाषा शैली है लोगों के साथ और अपने फैमिली के साथ, और आप जहाँ भी हो, जिस भी कम्युनिटी में हो, उनके साथ अच्छा रखा करो, सहज भाव से बोला करो। अच्छे भाव से बोलोगे तभी आपके लाइफ में जो है चीज़ें अट्रैक्ट होगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते ही हो, तो अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें लाइफ में कुछ महीनों के लिए, दिनों के लिए आएंगी, बट वो टेम्प्रेरी है, वो चली जाएंगी। बट ट्राई करना कि अच्छे से बात किया करो और लोगों को प्रभावित किया करो। ऐसा नहीं कि वो गलत बोलेंगे तो आप भी गलत बोलो। हाँ, थोड़ा सा दुख लगेगा आपको, टेंशन होगा दिमाग में, बट ट्राई करना कि अच्छे से बात करो, देखना वो भी इन्फ्लुएंस होकर अच्छे से बात करने लगेंगे। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे लाइफ के, मैंने आपसे शेयर की कि भक्ति कर रहे हो तो गाली मत देना, या भक्ति कर रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी में हो तो किसी से हिंसा मत करना, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, राइट। अच्छे से बात करो, अच्छे से अपना जो माइंड सेट है उसको रखो, और आगे का सोचो कि मुझे अब आगे क्या करना है। ओके, फोकस ऑन योर गोल, ओके, नॉट ऑन अदर थिंग्स जो गोल स्टेटमेंट से बाहर है। तो थैंक यू सो मच, आपने देखा मेरे वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। हरे कृष्णा।